ये है पैरा सेलिंग पॉइंट, और हेलीपैड है जो पचमढ़ी का, वो भी यहीं पर है। और आके देखते हैं, अभी वैसे लंच हुआ हुआ है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब खाली है। लेकिन अगर आप पचमढ़ी में आकर पैरा सेलिंग करना चाहते हैं तो ये वो जगह है। अभी हम बी फॉल से और बीचगढ़ की तरफ जा रहे हैं, उसके बीच में ये पॉइंट आया है, जैसे कि देख रहे हैं आप, काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स छोटे मोटे सारे हैं यहाँ पे। और बच्चों के साथ अगर आप आए हैं तो यहाँ ज़रूर आकर बच्चों के साथ आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ये सतपुड़ा एडवेंचर क्लब है पचमढ़ी का, जो ये कराता है सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसमें जो पैरा सेलिंग है वो 600 रुपये की है, ATV बाइक 300, जिप लाइन 500, और मिक्की माउस 50, और काफ़ी चीज़ें हैं, बंजी जैक्शन है, रॉक क्लाइंबिंग है, टैम्पोलिन है, हॉट एयर बलून है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे आके। ये जो है इसको बोलते हैं रीचगढ़। अभी हम रीचगढ़ में खड़े हैं और भैया बता रहे हैं हमें रीचगढ़ की स्टोरी क्या है। ये यहाँ की जो संरचना है ये देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि ये पूरा कभी करोड़ मिलियन साल पहले कभी पानी के अंदर रहा होगा। पानी का लेवल जैसे जैसे डाउन होते गया, और इसमें ये ज्वालामुखी से बने हुए रॉक्स है। अच्छा, ज्वालामुखी से बने ये, इसमें पल्स जो है ना, ये इसका अनुमान लगा सकते हो कि ये पानी के अंदर होगा। और ये पानी के कटाव से रास्ता बना हुआ है। ये इसको रीचगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दो पहाड़ आपस में जुड़ता है, दो या दो पहाड़ के टर्न को जब मिलता है तो उसको इंग्लिश में रिज कहा जाता है, RID रिज। अच्छा, रिजगढ़ से रीचगढ़ बन गया है। तो भालू से कोई कनेक्शन नहीं है? भालू का कनेक्शन नहीं। अच्छा। तो ये जो है इसमें तीन दरवाजे होने की वजह से एक किले के जैसा नजर आता है। अच्छा, फर्स्ट गेट इसमें वो होता है जैसा अभी अपने इस रास्ते से है ना, ये रास्ता भी शॉर्ट रास्ता है, पुराना जो रास्ता है वो वहाँ से है। अच्छा, वहाँ से आप आते हैं तो लेफ्ट साइड पे ये रास्ता है, राइट। तो ये 15 से 20 फीट का है, इसमें दोनों साइड में गुफा है। आज से 25 से 30 साल पहले इस जगह पे भालुओं को देखा गया था। अच्छा। तो रिच से रीच में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए रीचगढ़ इसका नाम हो गया। और यहाँ एक जो फिल्मों का शूटिंग भी है, अशोका, तरकी, चक्रव्यूह, इन फिल्मों का यहाँ शूटिंग भी है। अच्छा अच्छा, तो अब चलें देखें। हाँ चलो, अब चल के देखते हैं रीचगढ़। ये देखिए सुंदर गुफा है, कितनी बड़ी गुफा है। ये भैया बता रहे हैं एक टाइम पे ये जगह पानी के अंदर डूबी हुई थी, और पानी के कटाव से ये सारी जो इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं ये बनी है। काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टान है, देखिए। इसी प्रकार की गुफा, इतनी सुंदर गुफा मैंने दीव में नायडा केव्स के नाम से हैं, वो भी काफ़ी सुंदर थी, वो देखी थी। उसके बाद अब मैंने उसी की जैसी काफ़ी सुंदर जगह देखी। से होकर आए हैं और लंच करने के लिए आए हैं अभी हम ग्रीनडेल रेस्टोरेंट, जो यहाँ का पचमढ़ी का काफ़ी मशहूर और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ पर आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। अगर आपको नॉनवेज ट्राई करना है तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है रसोई, उसमें वेज और नॉनवेज दोनों अच्छा है, और इधर सिर्फ वेज है और ये काफ़ी अच्छा है। अभी दिन में हम लंच यहाँ करेंगे और रात को डिनर के लिए जाएंगे रसोई रेस्टोरेंट। तो आइए चलिए आपको दिखाता हूँ कैसा है ये रेस्टोरेंट।
अब हम धूपगढ़ पहुंच गए हैं और जो ये चट्टान है मेरे पीछे, ये जो सतपुड़ा रेंज है सेंट्रल इंडिया की, उसका हाईएस्ट पॉइंट है ये जो चट्टान है। इसकी हाइट है 1350 मीटर, जो 4450 फीट के करीब है, और ये पूरे सेंट्रल इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है सतपुड़ा रेंज का। और इस जगह को धूपगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पे सनराइज से लेके सनसेट तक पूरे टाइम धूप रहती है, क्योंकि ये यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट होने की वजह से इधर सुबह दोपहर शाम पूरे टाइम धूप रहती है, और इधर ही सनराइज पॉइंट भी है यहाँ पे और सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ पर आप सनराइज़ भी देख सकते हैं मॉर्निंग में आके, और शाम को यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है तो वहाँ पर सनसेट देख सकते हैं। तो अभी हम चल के देखेंगे सनराइज पॉइंट और फिर बाद में देखेंगे सनसेट पॉइंट। अभी मैं सनराइज पॉइंट पर खड़ा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं जो वो पॉइंट है, जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, वो है चौड़ागढ़। वो यहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की, और वो है महादेव मंदिर उस तरफ। वो है यहाँ से जो थर्ड हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की, वो थर्ड हाईएस्ट पीक है। और जो वो लेक दिख रही है पानी के पीछे, वो है चंपक लेक, और उसके साइड में जो वो दिख रहा है वो है पचमढ़ी। और ये यहाँ का सनराइज पॉइंट है धूपगढ़ का। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, और यहाँ से पूरी नीचे जो वैली नज़र आ रही है, ये देखिए पीछे पूरी वैली नज़र आती है यहाँ से, पचमढ़ी वैली। ये धूपगढ़ का स्नैक पॉइंट है, और यहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाएंगे और चाय वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि धूपगढ़ में लगभग 4 बजे के करीब सब आ जाते हैं और सनसेट 6:15-6:30 बजे तक होता है, तो 2-2.5 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ता है सनसेट के लिए। तो यहाँ पर आकर आप हल्का फुल्का स्नैक्स चाय वगैरह ले सकते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। ये पचमढ़ी की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक है। ये 1885 में बनाई गई थी, और ये धूपगढ़ में है। और यहाँ पर इसके अंदर अब एक छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया गया है, और उस म्यूज़ियम के अंदर कुछ पेंटिंग्स हैं जो पूरी पचमढ़ी का विवरण करती हैं, जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट हैं। आज धूपगढ़ साइड पे मुश्किल ही लग रहा है कि सनसेट दिखेगा, क्योंकि हेज़ बहुत ज़्यादा है, और देखिए लग ही रहा है कि सनसेट ढंग से नहीं दिखेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सनसेट कैप्चर हो जाए अच्छे तरीके से कैमरा में, लेकिन मुश्किल ही है। अभी 6:45 बजे हैं, लेकिन आसार हैं नहीं सनसेट अच्छा होने के। आज की साइटिंग अब ख़त्म हो गई है, और हम धूपगढ़ से अपने होटल में आ गए हैं, और ये हमारे राजा भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी हमें साइटिंग कराई। और कभी आप अगर पचमढ़ी आते हैं तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी गाड़ी बुक कर सकते हैं, और आप बहुत खुश होंगे इनके साथ जाकर। बहुत ही हेल्पिंग इनका नेचर है, और आपकी साइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से कराएगी। ओके राजा भाई, ठीक है, ओके। और आज हमारा पचमढ़ी का दिन भी टूर का समाप्त हो गया है, और आज जो हमारा टूर था फुल डे टूर था, उसमें हमने देखा रीचगढ़, बी फॉल्स, पांडव केव्स, और जो लास्ट में देखा वो था धूपगढ़। और काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छी सुंदर जगह थी। बी फॉल काफ़ी सुंदर फॉल है, रीचगढ़ की जो गुफाएँ हैं वो भी काफ़ी सुंदर हैं, और धूपगढ़ में वैसे हमें सनसेट देखने को नहीं मिला ड्यू टू क्लाउड्स, और पांडव गुफाएं भी बंद थी कोरोना वायरस की वजह से। ASI ने सारे मॉन्यूमेंट्स अपने बंद कर दिए हैं, तो कल हम जाएंगे पचमढ़ी से भोपाल, जो हमें लगभग 4 घंटे करीब का वक्त लगेगा।
और आज पचमढ़ी का दिन काफी अच्छा रहा। जो हमें ड्राइवर मिला था वो भी बहुत अच्छा मिला, राजा, और काफी कोऑपरेटिव, काफी अच्छा था। जो हमारे गाइड थे वो भी काफी अच्छे थे। तो आज जो पचमढ़ी का एक्सपीरियंस रहा काफी अच्छा रहा और काफी मजा आया। और कभी आप फ्यूचर में पचमढ़ी आते हैं घूमने तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस ब्लॉग से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं यही कहना चाहता था कि पचमढ़ी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं 7 साल पहले भी पचमढ़ी आया था और अब मैं 7 साल के बाद आया हूँ, तो मुझे कई चीज़ों में काफ़ी चेंज देखने को मिला यहाँ पे। और पचमढ़ी वैसे भी कैंट एरिया है तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी साफ है, और यहाँ के रोड्स, यहाँ पे जो ग्रीनरी है। और जो बेस्ट टाइम है अगर पचमढ़ी में आप आना चाहते हो, वैसे मैं तो मार्च में आया हूँ, लेकिन अगर आप बेस्ट टाइम अगर पचमढ़ी में आना चाहते हो वो है ड्यूरिंग मानसून और जस्ट आफ्टर मानसून, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे झरने, मतलब नेचुरल झरने आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो जैसे बहुत कम ही झरने जिनमें पानी रह जाता है, उस टाइम बहुत सारे ऐसे झरने बन जाते हैं, मतलब उसको गिन नहीं सकते, 100 की तादाद में कोई झरने होंगे और बहुत ही सुंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ग्रीनरी, उस टाइम ग्रीनरी पचमढ़ी में इतनी ज़्यादा होती है, अभी इतना ग्रीन है उस टाइम तो लश ग्रीन हो जाता है एकदम से। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको इन सारी बातों से अपने फ्यूचर प्लानिंग करने में, पचमढ़ी की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट गाइस।